उत्तर बंगाल के आसानसोल में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर के बाद पार्टी के जो नेता हैं मेयर जितेंद्र तिवारी पुलिस से भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पुलिस वालों को धमकी देते नजर आए। टीएमसी का आरोप है कि देर रात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की और जब उन्हें रोकने की वहां पर कोशिश की गई उसके बाद जो मेयर है जितेंद्र प्रसाद वो वहां पुलिस अधिकारी से ही भिड़ गए। ये वीडियो भी सामने आया जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी के ये मेयर यहां पर नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और टीएमसी का ये आरोप कि देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में घुस के तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद भी हिंसा जो है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के बाद। अब जो टीएमसी है वो बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगा रही है। टीएमसी ने कार्यकर्ताओं की फोटो ट्वीट कर दावा ये किया कि बीजेपी के लोग उन्हें पीट रहे हैं। हालांकि ट्वीट में डाली गई जो फोटो है वो कब की है, कहाँ की है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लोकसभा चुनाव में भयंकर हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक आज पटना में शाम 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर होगी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। बैठक में सभी प्रत्याशियों को मौजूद रहने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एक कोर कमेटी बनाए जाने की मांग उठ सकती है। इसके अलावा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाकी तेवर का जो मुद्दा है जो हाल फिलहाल देखा गया इस बैठक में उस पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को छोड़कर एक बार फिर पड़ोसी देश के सभी प्रमुखों को न्योता भेजा गया है। बिम्स्टेक समेत 8 देशों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बिम्स्टेक में भारत समेत दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के वो 7 देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 2014 में भी जब मोदी ने शपथ ली थी तो 7 देशों के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी समारोह में शरीक होने के लिए दिल्ली आए थे। हालांकि इस बार पाकिस्तान को मेहमानों की सूची से बाहर रखा गया है। वहीं इस बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है।